वेरिफिकेशंस ऑफ पिटिशंस। नंबर वन, पिटिशन में जो फैक्ट्स है वो जितना क्लियरली जितना डिस्टिंक्टली बता सके बताना चाहिए, और ये भी स्टेट होना चाहिए कि दोनों पार्टी में कोई सीक्रेट समझौता नहीं है, मतलब कोर्ट ये देखेगा कि कहीं पिटिशन झूठा तो नहीं है। नंबर टू, जो पिटिशन होगा वो या तो पिटिशन वेरीफाई करेगा या फिर उसका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव वेरीफाई करेगा, और इस वेरीफिकेशन को एविडेंस के रूप में माना जाएगा।